तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये डीबी जो देख रहे हैं आप, इस डीबी की वायरिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों यहाँ से मेन सप्लाई आएगा और इस मतलब सारे हॉल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है सप्लाई, ठीक है। तो चले हम देखते हैं इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। 16 एम्पेयर के 4 एम से भी, 20 एम्पेयर के 4 एम से भी और 25 एम्पेयर के 4 एम से भी है। तो गाइज ये जो 25 एम्पेयर का जो एम से भी होने वाला है वो जो एसी के लिए होने वाले है, और जो 16 एम्पेयर के जो 4 एम से भी लगने वाले हो, जो भी हमारे मतलब इन्वर्टर के जो पॉइंट होने वाले हैं उसके लिए होने वाले 16 एम्पेयर के एम से भी, और जो 20 एम्पेयर के जो एम से भी लगने वाले है वो हमारे बोर्ड के लिए लगने वाले, मतलब जो भी हमारे स्विच बोर्ड होगा, पावर सॉकेट होगा, उसके लिए 20 एम्पेयर के एम से भी लगने वाले, ठीक है। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वायरिंग करनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो गाइस जो है मटेरियल लगने वाला है सब एलएनटी का है, बॉक्स भी एलएनटी का है, और उसमें जो एम से भी लगने वाले है वो भी एलएनटी। मैं एक बात बता देता हूँ गाइस, बहुत सारे लोग है ना यार, मतलब जो न्यू इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, उनमें उन जब वो ऐसा वायर देखते हैं ना, इतना मतलब इतना सारा वायर, तो मतलब वो सोचते हैं कि यार इतने जो वायर है वो कैसे पहचानते हैं। तो देखिए गाइस, मैं आपको सिंपल ही बता देता हूँ, मतलब जो भी हमारा बोर्ड से सर्किट बनता है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसे टेप मार के लेते हैं उसके टोक पॉइंट के ऊपर, ताकि हमें पहचान में आ जाए कि हे एक सर्किट है। देख सकते हैं यहाँ पे हर एक सर्किट पे हमने एक टेप मारा है, फेज न्यूट्रल अर्थिंग, और ये पीला वाला जो वायर है ये हमारा इन्वर्टर का है। तो गाइस यहाँ पे आप चलते हैं कि हमें वायरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की, ठीक है। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको समझा देता तो हूँ, ये जो ये देख रहे हैं न्यूट्रल लिंक है हमारी, ये दो न्यूट्रल लिंक है, और यहाँ से अर्थिंग लिंक है, ठीक है, मतलब यहाँ से एक न्यूट्रल मेन न्यूट्रल आएगा इस बड़े नोट में, और सारे न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और ये बाकी के सारे जो फेज वायर जो हो गए वो एम से बी में लगेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 फेज आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 mm² का 3 फेज आ रहा है हमारा मेन इनकमिंग सप्लाई नीचे पैनल से, ठीक है। तो ये आर वाई बी और ये 6 mm² का न्यूट्रल। तो गाइस ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इन्वर्टर के जो वायरिंग है ये हो एक ही कलर कोड की रखी है, मतलब पीले कलर की, ठीक है, ताकि हमें पहचान में आए कि इन्वर्टर का वायर कौन सा है। तो गाइस इसमें जो भी पीले कलर के वायर जितने भी है सभी इन्वर्टर के, ठीक है। तो गाइस मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे ही ग्रीन कलर के जो अर्थिंग के वायर दिख रही है, यहाँ पे जितने भी ग्रीन कलर के वायर है उसका एक बंच कर लूँगा, ठीक है। बाद में क्या करूंगा मैं, न्यूट्रल का जो ब्लैक कलर का वायर दिख रहे हैं, जितना भी न्यूट्रल के वायर आएंगे वो बंच कर लूंगा उसका, ठीक है, और जो पीले कलर का भी वायर है उसका भी एक बंच कर लूंगा, ठीक है। तो चलेगा, मैं यहाँ पे एम सी भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे एमसीबी लगा दिए। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायग्राम भी इन्होंने दे दिया है हमें, ठीक है। तो गाइज मतलब ये जो यहाँ पे इनकमर मेन सप्लाई आएगा 4 पोल एमसीबी का, आर वाई बी 3 फेज का सप्लाई आएगा, और ये जो लास्ट में जो देख रहे हैं न्यूट्रल है हमारा, और ये न्यूट्रल लिंक को जाएगा एम सी बी बॉक्स में से, ठीक है, और ये आर वाई बी बाकी के एम सी बी को जाएगा, मतलब 3 फेज में चार चार एम सी बी एक फेज पे आएगा, मतलब तीनों फेज पे लोड बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इनकमर आएगा मतलब मेन एम सी बी 4 पोल का, वो हम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एसी के मतलब यहाँ पे इस जो हॉल में है ना गाइज, दो जगह पे एसी, तो मैं सबसे पहले एसी का सप्लाई कनेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये आउटगोइंग ऊपर से एलएनटी का और नीचे से इनकमिंग सप्लाई, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मतलब एसी का हेवी लोड होता है, इसलिए हम इसे सेपरेट एम से भी, हर एक एसी को सेपरेट एम से भी लगाते हैं।
गाइस मैंने एसी को सप्लाई कनेक्ट कर दिया एमसीबी से, और यहाँ पे आप मैं यहाँ पे इन्वर्टर के सप्लाई कनेक्ट करने वाला हूँ, इन्वर्टर का कनेक्शन करने वाला हूँ। है जो बोर्ड से है इन्वर्टर के है वो वायर आए पीले कलर के, ठीक है। मैंने कहा था पीले कलर का जितने भी वायर है, मतलब इसमें से जो 1.5 mm और 2.5 mm स्क्वायर का जितना भी वायर है वो इन्वर्टर का है, और जो 4 mm स्क्वायर का जो वायर है वो सप्लाई का वायर है कुछ कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर जगह पे केबल टाई मार रहा हूँ। गाइस मैं इसके नट टाइट कर लूँगा, अब इन्वर्टर का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। गाइस यहाँ पे इसके नट बोल्ट टाइट कर लेता हूँ। तो गाइस सॉरी यार, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कैमरा भी पकड़ना पड़ रहा है और काम भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, जो बोर्ड के जो सप्लाई आए हैं ना, मतलब बोर्ड का जो सर्किट आया है ना, उसमें से एक एक फेज उठा लूँगा। तो ये रेड वाला जो वायर देख रहे हैं फेज है, तो है 1, 2, 3, और ये पीला वाला भी वायर है 4 mm स्क्वायर का, ठीक है। तो गाइस ये 4 फेज हो गए। तो 4 फेज में मैं क्या करूँगा, ये 20 एम्पेयर के जो एमसीबी देख रहे हैं 4 एमसीबी, तो ये 4 एमसीबी को मैं ये वायर जोड़ दूंगा, ठीक है। गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड के सारे फेज वायर जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैं बाद में क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे जो अर्थिंग के सारे ग्रीन वायर है ना, तो ग्रीन वायर का एक बंच बना लूंगा। फिर मैं काले वायर का जो मतलब न्यूट्रल वायर का मैं एक बंच बना लूंगा, और यहाँ पे मैं न्यूट्रल लिंक पे यहाँ पे न्यूट्रल वायर का बंच जोड़ लूंगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये अर्थिंग का। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे तरीके से है अर्थिंग का है लिंक से सारे के सारे अर्थिंग जोड़ दी है मैंने, ठीक है। अब गाइज मैंने ऑलरेडी है न्यूट्रल का बंच रेडी करके रखा है, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर इस ट्रिक से अगर आप काम करोगे ना तो बहुत ही अच्छा काम होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मतलब जो वायर है बड़कते बड़कते काटते गए हो, मतलब इस लेवल में काटते गए आप। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से वायर काटे, ठीक है। अब इससे क्या होगा गाइस, देखिए गाइस ये सबसे छोटा वायर यहाँ पे लगेगा ये पहले वाले पॉइंट पे, फिर दूसरा पॉइंट, मतलब ऐसे वायर बढ़ते बढ़ते में यहाँ पे वायर को कट किया मैंने। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो गाइज देखा आपने कि मेरी ट्रिक जो मैंने आपको जो ट्रिक बताई उसी तरह से अगर आप करोगे तो इसी तरह से फिनिशिंग के साथ आपका काम दिखेगा, ठीक है। हे इसके साथ मिला इस बॉक्स में से, ठीक। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक किस तरह से दिखती है, ठीक है। हे लिंक क्या करती है, चारों एमसीबी को जोड़ देती है, ठीक है। मतलब हमें इसी तरह से जोड़ना है। तो गाइज आपको दिखा तो मैं कहाँ पे है लिंक जोड़ना है, जो गाइज ये एमसीबी का जो गैप दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें लिंक जोड़ना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है, और स्क्रू से हमें टाइट कर लेना है, ओके। तो गाइज यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 1, 2, 3, ठीक है, मैं 3 ही स्क्रू को टाइट करूंगा, और लास्ट का जो स्क्रू होगा मैं बाद में टाइट करूंगा, क्योंकि जो सप्लाई यहाँ पे नीचे से मैं दूंगा, ठीक है। मतलब गाइज इस लिंक का फायदा है कि जो हम मतलब सप्लाई लूप करते हैं ना 1 MCB से वायर से इस तरह से, मतलब सप्लाई लूप करते हैं ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती इस लिंक की वजह से, ठीक है। तो चले गाइज हम 4 पोल का MCB जोड़ देते हैं। तो हमारा सारा कनेक्शन पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि यह जो इनकमिंग मेन सप्लाई के जो वायर है यहाँ पे ठीक तरह से नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 पोल का एमसीबी लेने वाला था, लेकिन अब यहाँ पे वायर पूरी तरह से नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 3 MCB है तो ये साइड में कर दूंगा, और यहाँ पे 4 पोल का एमसीबी लगा दूंगा। दोस्तों ये वायर किसी ने कट करके लेके गया था, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है मुझे। तो गाइज हमारा यहाँ पे 4 पोल का एमसीबी लग चुका है। अब मैं यहाँ पे RYB फेज यहाँ पे लगा दूंगा। और एक बात बता दूँ गाइज, मैं यहाँ पे जो इन्वर्टर का वायर है जो 4 mm स्क्वायर का वो अलग सा है, तो इन्वर्टर के है सारे के सारे है 4 MCB, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दूंगा, और बाकी का RYB और न्यूट्रल यहाँ पे 1 1 MCB को मैं दे दूंगा, ठीक है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 4 पोल MCB का इनकमर कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल है RYB, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है जो न्यूट्रल लिंक देख रहे हैं, तो यहाँ से मैं यहाँ पे इस कनेक्शन यहाँ से दे दूंगा न्यूट्रल का, और बाकी का RYB मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा। या यहाँ पे R का कनेक्शन जाएगा और इसमें 2 फेज डिवाइड हो गए ये 3 MCB में, ठीक है। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली कनेक्शन यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 6 mm² का वायर लिया है और नीचे 1 MCB को दिया है, और ये रेड जो लाल कलर का जो वायर देख रहे ये इसको 2 MCB से लूप कर दिया है, ठीक है। यानी कि मतलब मैंने टोटली 3 पीस में लोड बैलेंस करके रखा है यहाँ पे। मतलब भविष्य में कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप 3 फेज का DP में कनेक्शन कर रहे हैं तो लोड बैलेंस कीजिएगा, मतलब हर एक फेज पे बराबर का लोड जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी ठीक वैसे ही यहाँ पे किया है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा DP कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।